मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, यूट्यूब चैनल मेरी बात याद से याद नोट कर लो, मैं जो बात बोलता हूँ सही बोलता हूँ। इन्होंने शहर के उलमाओं से मदरसे के अंदर बच्चों को तालीम देने वाले हाफिजों से इमामों से, पता है आपको, बिजनेस के नाम पर 70,000 रुपया जमा किया, 70,000 रुपया। इतना प्रॉफिट मिलना चाहिए 5 साल के अंदर 10,000 रुपये का। अगर आप एक गोली बिस्किट की दुकान भी लगाते थे वो, तो कम से कम 5 साल के अंदर 50,000 रुपया कम से कम कमाते थे। कितना मिला होगा प्रॉफिट? 41 रुपया, 41 रुपया, 41 रुपया हमारा बच्चे का खर्च है जेब का रोजाना का। और उसमें से भी ना तो मेरा जवाब देना, आधे लोग को पैसा अभी नहीं दिया गया, 10,000 रुपया उनका ले लिया गया, आज तक उनको हिसाब भी नहीं दिया गया, उनका पूरा पैसा नहीं दिया गया, इसका जवाब कौन देगा? तुम शहर को बेवकूफ समझते हो, तुम आईमाओं को भी धोखा दिया, हाफिजों को भी तुमने धोखा दिया, इसका जवाब कौन देगा? तो जवाब देना पड़ेगा। अच्छा है, जवाब मांगेगा, हम जवाब मांगेंगे, हमारा इतने कार्यकर्ता जवाब मांगेगा, और ये जिम्मेदार आप गली गली घूमेंगे, हिसाब मांगेंगे, जवाब देना पड़ेगा। نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد اور یہ سوچ کر کے اگر ہم رک گئے کہ یار نقصان ہو جائے گا تو کچھ نہیں کر پائیں گے اس لیے کرنا ہے تو کرنا ہے یہ بات آپ غور کرو ڈھونڈو تلاش کرو سرچ کرو کون سا کام کرنا چاہیے جس میں نفع بھی ہو اور لوگوں کو اس کی ضرورت بھی ہو آپ نے اخبارات آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے پتہ نہیں پرسوں کے اخبار میں خبر تھی کہ ملک میں 10 کروڑ لیٹر دودھ مہیا ہوتا ہے اور لوگوں کی ضرورت 40 کروڑ لیٹر دودھ کی ہے اور 30 کروڑ لیٹر دودھ بنایا جاتا ہے تب لوگوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے سمجھ رہے ہو آپ ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پرسوں میں نے اخبار میں یہ پڑھا تو میرے ذہن میں ایک پروگرام آیا اور وہ پروگرام یہ کہ مالیگاؤں سے باہر سے دودھ آتا ہے پلاسٹک کی تھیلیوں میں پیک ہو کر کے مختلف کمپنیوں کا دودھ ہوتا ہے جو مصنوعی دودھ ہوتا ہے اور مالیگاؤں میں اسے لوگ شوق سے خریدتے پیکنگ ہوتی ہے نا آج مالیگاؤں میں دودھ کا کاروبار اگر شروع کیا جائے اور اچھے پیمانے پر شروع کیا جائے اور اچھا دودھ دیا جائے لوگ آپ کے یہاں لائن لگا کر کے دودھ لیں گے ظاہر بات ہے اگر مالیگاؤں شہر کی ضرورت اگر 1 لاکھ لیٹر کی ہے آپ اندازہ کرو مالیگاؤں میں हमारे सेंट्रल एरिया में कितनी आबादी है मालूम है आपको? बोलो ना, 4 लाख, 5 लाख, 5 लाख इंसानों के लिए कितने दूध की जरूरत है? इससे ज्यादा की जरूरत है। 1 लीटर दूध तो मुझको लगता है, आप दिन में कितनी चाय पीते? जाहिर बात है वो बगैर दूध की तो बनती नहीं। इतने दूध की पैदावार मालेगांव में नहीं है। ये 2-4 दिन में मैंने इस लाइन से मालूमात लेनी शुरू की कि दूध के लिए अगर हम लोग बड़े पैमाने पर अगर कोई काम करना चाहे तो कैसे कर सकते। नेट के ऊपर मैंने सर्च किया और सर्च करने के बाद हरियाणा के कुछ कंपनियों से बात की,
जो एक मखसूस किस्म की गाय मुहैया करते हैं, जो एक गाय एक दिन में 30 से 40 लीटर दूध देती। भैंस वालों से बात की, उन्होंने बताया कि आपको हम ऐसी भैंस देंगे जो आपको 15 से 20 लीटर 25 लीटर दूध दोनों टाइम का मिला करके देगी। उनसे मैंने कहा कि मैं एक फार्म हाउस डालना चाहता हूँ और मेरा प्रोग्राम ऐसा है कि कम से कम उसमें 500 भैंस हो, मुझे क्या करना चाहिए। मैंने एक सवाल किया, मुझे क्या करना चाहिए, सारा प्रोग्राम उन्होंने ला करके बता दिया। ये 3 दिन की बात मैं आपको बता दूँ। अभी मगरिब बाद हम लोग बैठे थे इसी मीटिंग के अंदर कि अगर हम लोगों को ये प्रोग्राम करना है तो उसके लिए कैसी जगह होनी चाहिए ताकि उन जानवरों के लिए चारा पानी सब कुछ हो। ये हुआ कि हम लोगों को ऐसी जगह चाहिए जहां हमें मीठा पानी मिले। जाहिर बात है बोरिंग से और कुएं से जो पानी मिलता है वो मीठा नहीं होता। ज़मीन की दलाली करने वाले लोगों से हमने बात की, 1 घंटे के अंदर उसने बताया कि 60 एकड़ जगह है जिस आदमी की खेती है, उसने गिरना डैम से पाइपलाइन डाल करके अपने खेत तक पानी लाया है और टंकी बनाई है और वो बेचना चाहता है। आपको 24 घंटा मीठा पानी मिलेगा। कहते ना जरूरत ईजाद की माँ होती है। आप पूछो तो सही, आप कुछ करना तो चाहो, कुछ करना चाहो। जिन लोगों से बातचीत की थी 10 प्रोग्राम उन्होंने खुद से बताए और बताया कि आप अगर 10 करोड़ रुपया खर्चा कर सकते हो तो जर्मनी की ऐसी ऐसी मशीनें हैं कि आप अगर वो ला करके लगाओगे तो दूध से आप छाछ भी बना सकते, दही भी बना सकते, घी भी बना सकते और पाउडर दूध भी बना सकते। और अगर पाउडर दूध आप बनाते हो तो सरकार उस पर केजी आपको 38 रुपया जो है सब्सिडी देगी और इस आपका तैयार माल जितना भी रहेगा पूरा माल हिंदुस्तान से बाहर फरोख्त करने की जिम्मेदारी हमारी होगी। करना तो चाहो आप अगर सिर्फ यही सोचोगे कि बस मुझे इमामत करनी है, बस मदरसा पढ़ाना है और कुछ नहीं करना है तो आपकी ज़िंदगी ऐसी ही गुजरती रहेगी। मोहताजगी ज़रूरत के साथ। बहुत अच्छी बात मौलाना अब्दुल मुकीद साहब ने कही कि हम लोग लोगों के दस्ते निगर बन गए, लोगों की तरफ आस और उम्मीद के साथ देखते रहते। वो दिन कब आएगा कि लोग हमारी तरफ आस और उम्मीद से देखें और लोगों की ज़रूरत हो लोग हमारे पास आए। अल्लाह से मांगो कि अल्लाह लोगों की रोज़ी मेरी छत पर उतार, मैं मुझे आता कर, मेरे हाथ से लोगों तक पहुँचे। जाहिर बात है जो फ़कीर लेकर के जाता है वो मेरा नसीब लेकर के नहीं जाता, वो उसका नसीब होता है जो अल्लाह ने मुझे दिया है और मेरे ज़रिए से उस मोहताज और ज़रूरतमंद और फ़कीर को पहुँच रहा है। अल्लाह से मांगो कि अल्लाह लोगों की रोज़ी मुझे अता कर और मेरे हाथ से लोगों में जाए। इसलिए कुछ सोचो और सोच करके आगे बढ़ो, सोच करके आगे बढ़ो। कामयाबी नाकामी साथ साथ चलती है और नाकामी और ठोकर ही आदमी को बहुत कुछ सिखाती है। इसलिए तकवियतुल माश का ये प्रोग्राम मौलाना अलीमुद्दीन और उबैदुर रहमान और इनके अहबाब ने जो तरतीब दिया, मैंने इनकी बहुत हौसला अफजाई की। मैंने कहा आप प्रोग्राम रखो और उलमा आइम्मा हुफाज़े किराम को जोड़ो और उनमें तिजारत का ज़ौक और शौक पैदा करो। ये करेंगे तो लोग मोहताजगी से निकल करके ऊपर आएंगे, वरना सारी ज़िंदगी मोहताजगी के साथ। हम मोहताज हैं, हम अपने बच्चों की ज़िद पूरी नहीं कर सकते, हम अपने बच्चों को जैसा चाहते हैं खिला नहीं सकते, जैसा चाहते हैं पिला नहीं सकते, जैसा चाहते हैं पहना नहीं सकते और जैसा चाहते हैं वैसी सवारी नहीं दे सकते, जैसा घर हम देना चाहते हैं वैसा घर और रिहाइश नहीं दे पाते। और हम ये दोष देते हैं कि ये हमारा नसीब है। किसको मालूम तुम्हारा नसीब क्या है? ये तो उल्टा हो गया कि हम अपनी गुर्बत को अपना नसीब समझ करके हाथ पर हाथ धरे बैठे। दुनिया दारुल असबाब है। कितनी बेहतरीन मिसाल दी कि अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से उतारेंगे, वहाँ सीढ़ी की ज़रूरत नहीं होगी,
लेकिन जब दिमश्क की जामे मस्जिद के मीनार पर आएंगे तो सीढ़ी लगानी पड़ेगी। ये दुनिया दारुल असबाब है, आप सबब इख्तियार करोगे तो फिर मुसब्बिबुल असबाब आपको वो सारी चीज़ें अता करेगा जिसे आप चाहते। दुनिया कर रही है, उनको मिल रहा है, और हम लोग कुछ ना करने को अपना नसीब और मुकद्दर समझ करके हम लोग जो है मोहताज और ज़रूरतमंद बन करके बैठे हुए, अच्छी बात नहीं। आप निकलिए, आप करिए, वक्ती नाकामी रहेगी लेकिन अल्लाह ने तिजारत में बड़ी बरकत रखी, बड़ी बरकत रखी, और जिन लोगों ने तिजारत की हमेशा कामयाब रहे। मिसाल दी थी किसी सहाबी के नाम जुबान पर नहीं आ रहा है, अब्दुल रहमान इब्न औफ। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि एक ज़माना वो था हिजरत करके आए, कुछ नहीं था, हुजूर ने मुआखात कायम की, एक सहाबी से अपने घर ले गए, दो बीवियाँ थी, फरमाया कि जो आपको पसंद हो देख लो, तलाक दूंगा, इद्दत गुजर जाएगी, आप निकाह कर लेना, ये दो बाग हैं, जो बाग आपको पसंद हो वो ले लो। उन्होंने कहा कि अल्लाह आपकी जान में माल में बरकत अता फरमाए, दुल्लूनी इलस्सू, मुझे तो बाजार का रास्ता बता दो। सुबह से शाम तक बाजार में खरीदो फरोख्त करते रहे, शाम में कुछ नफे में पनीर लेकर के आए और उन्होंने दिया घर में पकाने के लिए। जाहिर बात है अगर बाजार नहीं जाते तो दूसरों की रोटी और टुकड़े के ऊपर उनको गुजारा करना पड़ता। बाजार गए, नफा ला करके लिया नहीं बल्कि दिया, आपकी बीवी आपको मुबारक, आपका बाग आपको मुबारक, ये पनीर ला करके उन्होंने दिया घर में पकाने के लिए। और जब इंतकाल हुआ है तो बुखारी शरीफ की रिवायत है कि उन्होंने जो तरका छोड़ा था सोना कुल्हाड़ी से काट करके तकसीम किया गया था, और एक एक बीवी को गालिबन 82 या 83 हज़ार दिरहम मिले थे। क्या था, जब उनका तिजारती काफिला मुल्क के शाम से मदीने मुनव्वरा पहुंचा तो पहला ऊँट मदीने मुनव्वरा में था और कतार का आखिरी ऊँट मुल्क के शाम में था। तिजारत किए तो यहाँ तक पहुँचे, तिजारत नहीं करते तो क्या होता आप अंदाज़ा कर सकते हो। इसलिए आप इनफरादी और इज्तिमाई तिजारत को तरजीह दें। इज्तिमा शिरकत में अल्लाह ने बड़ी बरकत रखी है पार्टनरशिप में, लेकिन शर्त यह है कि हर पार्टनर ईमानदार हो, हर पार्टनर ईमानदार हो। अगर हर पार्टनर ईमानदार होगा तो अल्लाह पाक उसमें एक पार्टनर होते, एक शरीक होते, और जिस तिजारत में अल्लाह शरीक हो उसमें कभी नुकसान नहीं हो सकता। शिरकत में बड़ी बरकत है। जाहिर बात है आज हम लोगों के पास कुछ नहीं है, खाली हाथ है, लेकिन अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए सरमाया इकट्ठा करना पड़ेगा। आप छोटा सरमाया बड़ा सरमाया जो भी हो इकट्ठा करें, और इकट्ठा करके आप शुरुआत करें। मेरा ऑफिस है बैतुल उलूम कॉम्प्लेक्स में, इन्होंने कहा कि हमको ऑफिस चाहिए, मैंने कहा मेरा वो ऑफिस बना बनाया एकदम रेडी तैयार है, आप उसकी चाबी लो, तकवीतुल माश फाउंडेशन का ऑफिस बनाओ, शहर के उलमा आइम्मा हुफाज़े किराम को जोड़ो और उनको तिजारत से लगाओ। और मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि अगर शहर के उलमा हुफाज आइम्मा अगर कुछ करना चाहेंगे तो उनकी तिजारत के लिए एक बड़ा सरमाया देने के लिए मैं तैयार हूँ। और ये इसलिए कह रहा हूँ कि आप में हिम्मत पैदा हो, आपको वक्ती तौर पर सहारे की टेके की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। मौलाना अलीमुद्दीन साहब और ये थे, इनसे मैंने कहा आप लोग करो, मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा,